देखिए पिछले 30 साल तक हमने इंतजार किया और कश्मीरी पंडित समुदाय श्री नरेंद्र मोदी से बहुत आए उनको ये लगता था 2014 में जब मोदी श्री मोदी सोल्यूशन निकाला जाए लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ है हुआ ये कि कश्मीर घाटी में पिछले कुछ सालों में स्थिति बहुत खराब हुई है और आज बहुत मुश्किल है इस बात का सोचना भी कि कश्मीरी पंडित वहाँ कभी वापस जा सकते हैं जहाँ तक उनकी वापसी की बात है बहुत सालों तक हमें कहा गया कि सरकार ज़मीन आइडेंटिफाई कर रही है जहाँ पर एक कैंप उनके लिए बनाया जाएगा परमानेंट कैंप बनाया जाएगा जहाँ पर वो जाके कम से कम एक फुटहोल्ड स्थापित कर पाएंगे लेकिन दुर्भाग्यवश वो सिर्फ पेपर पर कागज़ पर ही धरा का धरा रहेगा उसके आगे एक जमीन नहीं कोई आवंटन नहीं हमारा हमारा ये निवेदन था सरकार से कि एक जमीन का बड़ा टुकड़ा दिया जाए जहाँ पर जो भी कश्मीरी पंडित वहाँ पर जाना चाहते हैं और बहुत जाना चाहते हैं उनके लिए वो वहाँ पर ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए जहाँ पर वो अपना रिहाइश बनाएं और वहाँ पर रहना चालू करें और जैसा हमने कहा वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं आते यहाँ पे लेकिन कम से कम एक शुरुआत है कि कश्मीरी पंडित वहाँ पर जाएँ इतने हमारे मंदिर हैं इतने हमारे पुराने घर हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है हमारे जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल लॉस है क्योंकि एथनिक क्लेंजिंग जो हमारे 90 में हुई वो उनको कुछ आइडिया नहीं है कश्मीर के बारे में हम उनको बोलते हैं कि हमारे साथ कश्मीर में ये हुआ लेकिन जब तक वो अपने वतन अपने कश्मीर वापस नहीं जाएंगे अपनी धरती पर वापस नहीं जाएंगे जहाँ पर उनके पूर्वज 3000 सालों से रह रहे थे तब तक ये जर्नी जो है यात्रा पूरी नहीं हो पाई सर एक सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सरकार बनाई और सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि यार हमने सरकार एक कम से कम संवाद स्थापित उसके इसलिए हमने ये सरकार बनाई है क्या लगता है सर ये एक सेटबैक था आपके लिए जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए एक सेटबैक था या फिर कुछ मुनाफे का सौदा हुआ था क्या देखिए सेटबैक था ये पूरा सेटबैक था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई जो वहाँ पर एक सॉफ्ट अलगाववाद का हमेशा बढ़ावा देते आ रहे हैं और उसी सॉफ्ट अलगाववाद का अगर आपको याद होगा जब 2015 में सरकार बनी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी को छोड़ा उसके बाद उनका हौसला इतना बढ़ा कि उससे बुरहान वानी जैसे लोग पैदा हुए और उसके बाद जो हुआ वो बात किसी से छिपी नहीं तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर रहा जिससे उनको दूर रहना चाहिए था लेकिन ये हुआ और उसी का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ये है कि आज बहुत दर्जनों की संख्या में जो कश्मीरी लड़के हैं वहाँ मुस्लिम कश्मीरी लड़के वो बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं सर स्थिति जो थी वो 2004-05 के आसपास जब कांग्रेस सरकार बनी उस समय बेहतर थी या स्थिति अब बेहतर है देखिए ऐसे आकलन करना ऐसे इन चीज़ों का आकलन नहीं हो सकता पर मोटा मोटा जब 2005-06 में स्थिति बहुत सामान्य हो गई थी 2005-06 में जब हमको लगता था कि अब कश्मीरी पंडित वापस भी जा सकते हैं लोग भी आतंकवाद से काफ़ी उकता गए थे वहाँ पर और जो अलगाववाद ताकतें थी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे उनकी कोई पूछताछ नहीं थी वहाँ पर लेकिन 2008 से बाद स्थिति फिर ख़राब होनी शुरू हुई 2009 में 2010 में स्थिति बहुत ख़राब हुई और उसके बाद 2016 में फिर बुरहान वानी की स्थिति खराब हुई तो इसको मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ कि जैसे कोई पेशेंट अपनी दवाई का कोर्स उसको पूरा करना है लेकिन वो पूरी दवाई का अपना कोर्स पूरा नहीं करता बीच में छोड़ देता है और जब वो बीमारी जब वापस आती है रिलैप्स होता है उसका इलाज करना फिर बहुत मुश्किल हुआ और कमोबेश कश्मीर के साथ वही हुआ सर अंतिम सवाल ये है कि कश्मीर की समस्या के लिए पंडित नहीं कुछ जिम्मेदार माना जाता है कहा जाता है कि जो भी है आज उनकी बदौलत है क्या लगता है आप भी मानते हैं कि जो कश्मीर की जो समस्या थी वो नेहरू की देन थी देखिए ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है ये तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है इतिहास को जो लोग समझते हैं उस वक्त पंडित नेहरू के पास और कोई चारा नहीं था जो उन्होंने किया उस वक्त बिल्कुल ठीक किया लेकिन ये स्थिति सिर्फ इसलिए ख़राब हुई है
क्योंकि विगत सरकारों में 452 ऑनवर्ड से, जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि एक सॉफ्ट अलगाववाद को हमेशा छूट दी है, और जो भी चीफ मिनिस्टर रहे उनको इस बात की छूट है कि वो भारत में दिल्ली में जाकर एक भाषा बोले और कश्मीर जाकर दूसरी भाषा बोले। तो एक कश्मीरी लोगों के मन में भी आपने एक सिज़ोफ्रेनिया पैदा कर दिया है, जहाँ उनको समझ में नहीं आता कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे, लेकिन उनके जो नेता हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी जिहाद की बात करते हैं, कभी जमात इस्लामी की बात करते हैं, तो उनके मन में भी पशुपेश की स्थिति होती है। तो सरकार को, जो भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, अगर वो इस बात के प्रति गंभीर है कि उन्हें कश्मीर मसला हल करना है, तो सबसे पहले जो फाउंटेन हेड है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, क्योंकि लड़के तो आते जाते रहेंगे, उनको आप मारेंगे, लेकिन जब तक कि स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई होती है, जिस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ बना है, खासकर दक्षिण कश्मीर में पिछले कुछ सालों में, जब तक उसको तोड़ फोड़ नहीं दिया जाता, जब तक सेपरेटिस्ट अलगाववादी लोगों को ही आप ताकतों को ये नहीं कहेंगे कि हम इस समस्या को सुधारने में सीरियस हैं और यहाँ पर भारत का आधिपत्य स्थापित होगा, तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं हो सकती।